मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़ी खबरों के साथ, जो बस्तर में भेंट मुलाकात कार्यक्रम करने के बाद वापस रायपुर लौट आए हैं। इस दौरान नक्सल क्षेत्र में लोगों से मुलाकात को लेकर उन्होंने बयान दिया है। भूपेश बघेल का कहना है कि बस्तर अब बदल रहा है, पहले और अब में बेहद अंतर आ चुका है। बस्तर विकास की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, बस्तर के लोग अब जागरूक हो रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतर काम बस्तर में किया जा रहा है, बंद स्कूल दोबारा से खोले जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बस्तर का दौरा काफी अच्छा रहा, लोगों से भेंट मुलाकात हुई, कुछ समस्याएं थीं उनको दूर किया गया है। बस्तर अब बदल रहा है, बदलती हुई तस्वीर बस्तर की, कि अब वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें भी बन रही है, पुल पुलिया भी बन रहे हैं। जो बंद स्कूल बंद थे 15-15 वर्षों से, वो स्कूल खुल गए। बीजापुर में 156 स्कूल जो बंद पड़े थे वो शुरू हो गए। सुकमा में 98 स्कूल शुरू हो चुके हैं। चलिए, मुख्यमंत्री बेहद खुश होकर लौटे थे और उसके बाद उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा कि बस्तर में जो कुछ हो रहा है वो यकीनन काबिले तारीफ है। ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे रायपुर की तरफ। स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव उस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य जी, वो सीन आपको याद होगा जब एक नक्सली, जो आत्मसमर्पित नक्सली था, मुख्यमंत्री के सामने मंच पर आता है और कहता है कि अब बस्तर बदल रहा है, पहले मैं भी आतंक का पर्याय था लेकिन सरकारी योजना के चलते आत्मग्लानी हुई, वापस मुख्य धारा में लौटा, अब इंस्पेक्टर हूँ, मेरे बच्चे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और मेरी पत्नी भी अब एक बेहतर जीवन जी रही है। शायद यही वो कुछ तस्वीर खींचती है बस्तर के इलाके में, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि वाकई बस्तर में बहुत कुछ बदल रहा है, और यही कुछ बयान मुख्यमंत्री का भी है। बिल्कुल, देखिए बस्तर पहले और अभी के में बहुत अंतर है। देखिए बस्तर में बड़ी इमारतें बना देना बस्तर का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। बस्तर का डेवलपमेंट तब होगा बस्तर का एक आदिवासी बेहतर स्कूल में जा सकेगा, बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकेगा और अपने रोजगार के साधन जुटा पाएगा, वो होता है डेवलपमेंट। देखिए स्कूलें बहुत बनी, बिल्डिंगें बहुत बनी पिछले 15-16 सालों में, लेकिन देखिए वो स्कूलें या तो नक्सलियों ने उस स्कूल को तबाह कर दिया, या तो फिर वो डेवलपमेंट के साधन जो आप सोचते हैं केवल सड़क या पुल पुलिया या नई इमारतें बना देना डेवलपमेंट नहीं होता। अब बस्तर में देखिए स्कूल खुलने की मांग की जा रही है, जहां पर स्कूल बंद थे वो सरकार ने स्कूल शुरू कराए हैं, वहां पर लोग अब देखिए आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की मांग कर रहे हैं, खेल मैदान की मांग कर रहे हैं। वो जिसकी आप मड़कम के जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो भी पहले भी वो बंदूक उठाता था, अंतर यही था कि पहले वो जनता के खिलाफ बंदूक उठाता था, अब वो बंदूक नक्सलियों के खिलाफ उठाता है। तो ये बदलाव है और निश्चित तौर पर बस्तर बदल रहा है। और अभी देखिए 3 दिन का बस्तर का दौरा खत्म करके वो रायपुर लौटे हैं, कल बड़ा कार्यक्रम है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि जो है वो सीएम खाते में डालेंगे और उसके बाद ठीक 23 तारीख को फिर से बस्तर प्रवास पर रहेंगे। तो बस्तर का 2 चरणों में कार्यक्रम है, अभी फिलहाल सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर 3 जिलों को वो कवर करके लौटे हैं और उसके बाद फिर से 23 तारीख से 28 तारीख तक का उनका बस्तर प्रवास रहेगा। बस्तर जरूरी भी है, मैंने फिर कहा, जिसने सरगुजा और बस्तर को साध लिया उसने पूरे प्रदेश को साध लिया। सरगुजा में 8 विधानसभाओं का दौरा वो कर चुके हैं, बस्तर में भी देखिए लगातार दौरे कर रहे हैं, तो ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, सरगुजा और बस्तर, जिसके लिए लगातार मुख्यमंत्री बस्तर प्रवास में रहे और पिछले दिनों सरगुजा प्रवास में भी रहे। आदित्य जी, एक छोटा सा कमेंट आपका चाहूंगा, जो रिफ्लेक्शन इस भेंट मुलाकात के बाद सीएम के चेहरे पर नजर आ रहा है, किस तरह देखते हैं? देखिए चेहरे की चमक अपने आप बता रही है। देखिए क्या होता है, जैसे सरगुजा, देखिए जब मुखिया निकलता है तो ये मालूम है ऑन ग्राउंड स्थिति पहले क्या रहती है और मुखिया के निकलने के बाद क्या होती है। सरगुजा में जिस प्रकार से देखिए कार्रवाइयां लगातार हो रही थी, बस्तर में अब जो है शिकायतें कम आ रही हैं, शिकायतें नहीं आ रही है बल्कि पटवारी अच्छा काम कर रहा है बताया जा रहा है, वहां गोधन न्याय योजना बेहतर चल रही, गोबर वाला जो इनके सरकार का स्कीम है वो बेहतर चल रहा है। तो देखिए ये जो फ्लैगशिप योजना है सरकार की, अगर उसकी प्रशंसा होती आम जनता के द्वारा और एप्रिसिएशन मिलता है तो दिल से खुशी होती, तो वो एप्रिसिएशन कहीं ना कहीं चेहरे में नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर बस्तर में बदलाव काफी बड़ा जो है वो देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। बस्तर में बड़ा बदलाव हो रहा है और आने वाले समय में भी बदलाव देखने को मिलेगा, ऐसा दावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते हैं। आम लोगों से भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जो कुछ फीडबैक सीधे तौर पर जनता से ले रहे हैं, उसके बाद उनका चेहरा खिला हुआ भी नजर आ रहा है। जब जब वो इस दौरे को कर वापस रायपुर की तरफ लौटते हैं, मीडिया से मुखातिब होते हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे पर एक सुकून नजर आता है और वो उनके बयान से भी झलकता है। उनका दावा है कि उनकी सरकार
इन तमाम लोगों के लिए और ख़ासकर अंदरूनी इलाकों के लिए बेहतर काम कर रही है, बेहतर योजनाएं वो लाएँ।